मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? रोल नंबर 12, आवाज आ रही है? In previous class, we have already discussed in Allium Cepa in respiratory complaint. Respiratory complaint में हम लोग जो है Oryza complaint को देख रहे थे, Oryza symptom को, कि उसका क्या symptom है, हम लोग उसको देखे हैं और भी उसको उसका कुछ symptom बाकी है और उसके अलावा जो है दूसरे individual में हम लोग जाएंगे दूसरे इंडिविजुअल में और क्या कॉम्प्लिकेशन अभी तक हम लोग नहीं देखे हैं जो कि अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा हम लोग रिविजन कर ले कि हम लोग Oryza कंप्लेन में देखे थे कि जो इसका डिस्चार्जिंग है वो सारा जो है ये एक्टिविटी नेचर में है क्योंकि हम लोग को मालूम है कि Allium Cepa का जो भी डिस्चार्ज होगा या इसका जो कीनोट सिम्टम है दैट इज acridity. Acridity is a keynote symptom of this remedy. और उसके अलावा हम लोग को ये भी मालूम है कि इसका discharging कैसे होगा या इसका nature क्या है, character क्या है, ये भी हम लोग को मालूम है। उसके अलावा जो है previously हम लोग ये दो point पे जो है discussion किए थे। एक point है that is bland Oryza as well as lacrimation. हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि लैक्राइमेशन का जो क्लियर कंसेप्ट है दैट इज टियरिंग। टियरिंग जो है जो एक आंसू आता है उसको हम लोग जो है लैक्राइमेशन के नाम से जानते हैं। और ब्लैंड Oryza इन द सेंस ये हुआ या ब्लैंड का मतलब हुआ कि नॉट या हम लोग कहेंगे नॉन इरिटेटिंग, मतलब कि डिस्चार्जिंग हो रहा है लेकिन उसमें थोड़ा भी जो है वो इरिटेशन नहीं है। हम लोग बहुत सारे मेडिसिन में देखे हैं कि किसी में जो है इरिटेशन होता है, इरिटेटिंग होता है, एक पेशेंट जो है स्नीजिंग कर रहा है और उसके अलावा जो है उसको जो है इरिटेशन लगता है, वो उस टाइप का कैरेक्टर जो है हम लोग इस मेडिसिन में नहीं देखते हैं। उसके अलावा हम लोग इसमें यह भी देखे हैं कि इसका जो भी डिस्चार्जिंग है ये जो है एक्सेसिव डिस्चार्जिंग होगा, बहुत ज्यादा डिस्चार्जिंग जो है हम लोग Allium Cepa में देखे हैं, चाहे ये Oryza कंप्लेंट का हो या जो है इसका जो भी डिस्चार्जिंग है ये सारा डिस्चार्जिंग जो है इसका एक्सेसिव होगा। नेक्स्ट है कि चाहे इसका ब्लैंड Oryza हो या इसका जो डिस्चार्जिंग है, सभी का जो डिस्चार्जिंग है Allium Cepa में इसका वर्स कंडीशन जो है वो स्पेशली एट इवनिंग में होगा। शाम के टाइम में जो है उसको बार बार जो है उसका चाहे वो हेडेक कॉम्प्लिकेशन हो या लैक्राइमेशन कॉम्प्लिकेशन हो या डायरिया प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम होगा सभी का प्रॉब्लम जो है ये शाम ढलते समय जो है इसका प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नेक्स्ट है कि हम लोग इसमें ये भी देखे थे कि इसका जो पेशेंट है ये नेजल पॉलिपस से जो है ये सफरिंग करता है। हम लोग को मालूम होना चाहिए कि Allium Cepa जो है नेजल पॉलिप में भी जो है बहुत अच्छा वर्क करता है, जैसे कि और भी बहुत सारा रेमेडी है। वैसे ही इसका जो मोड ऑफ ऑरिजिनेशन है या हम लोग प्रीवियसली भी ये डिस्कस कर चुके थे कि ये रेमेडी का जो ये उसको हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू साइड एफिनिटी, साइड का अगर बात करते हैं तो ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी में हम लोग देखते हैं, लेफ्ट साइडेड
का जो है ये ऑर्डिनेशन होगा, उसके बाद ग्रेजुअली जो है लेफ्ट टू राइट की तरफ जो है ये टर्नओवर होता है। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग इसमें एग्रेवेशंस में और अगर देखते हैं, चाहे वो पुराइजा कंप्लेन हो या हेडेक कंप्लेन हो, जो भी कंप्लेन होगा इसका वो जो है शाम के समय में होगा, और शाम के बाद जो है अगर वो ओपन एयर में चल जाए, तो ओपन एयर में जाने के बाद या टेरिस पे चल जाए तो उसको रिलीफ होता है, लेकिन आफ्टर सून कुछ देर बाद जो है अगर वो फिर वार्म रूम में या वार्म एटमोसफेयर में अगर फिर से वो आ जाए तो उसको जो है, या उसका जो हम लोग कहेंगे ये कंप्लेन जो है, चाहे हेडेक कंप्लेन हो या कोराइजा कंप्लेन हो, ये सारा जो है एग्रेवेशन हो जाता है। नटसेल में ये हम लोग को समझना है, या ये हम लोग थीम बना ले कि एलियम सेपा का पेशेंट ओपन एयर में जाएगा, उसको रिलीफ होगा फॉर सम टाइम, लेकिन ओपन एयर के बाद जो है अगर वो फिर जो है पैक रूम या वार्म रूम में अगर वो जस्ट डाइवर्ट या फिर अगर आ जाता है तो उसका कॉम्प्लिकेशन जो है वो एग्रेवेशन होगा। नेक्स्ट है, वैसे ही अगर हम लोग और भी स्टॉलवर्ट्स में देखें या फॉलोवर्ट्स में देखें कि और अलग अलग स्टॉलवर्ट जो है एलियम सेपा के लिए क्या बता रहे हैं, तो अगर हम लोग इसके ईयर एक कॉम्प्लिकेशन में देखते हैं या ईयर कॉम्प्लेन में देखते हैं कि एलियम सेपा का जो पेशेंट है वो, उसको अगर ईयर एक कॉम्प्लिकेशन होगा तो उसमें क्या सिम्टम जनरली देखने को मिलता है, या जो है हम लोग उसको कहेंगे कि और इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट, डॉक्टर केंट सर का कंसेप्ट है, या उन्होंने एट द टाइम ऑफ प्रूविंग में वो क्या देखे हैं उसका एग्जाम्पल उन्होंने बताया है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। द ओल्ड मदर यूज्ड टू पुट ऑनियन ऑन द बेबीज ईयर। एक औरत है, एक मदर है, वो अपने बच्चे को अपने कान में, बच्चे के कान में जो है ऑनियन, डायरेक्ट जो रॉ ऑनियन है या ऑनियन का जो इसको हम लोग कहेंगे जूस, जूस जो है डायरेक्ट वो जो है बच्चे के कान पे दे रहे हैं। देने के बाद जो है आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद जो है उसका, उस बच्चे का जो पेन है वो जो है सबसाइड हो जाता है। वो बच्चा जो क्राइंग कर रहा है, वो बच्चा जो रो रहा है उस पे जो है उसको रिलीफ मिल जाता है। उसके अलावा इसमें यह भी दिया हुआ है कि दैट इज नॉट सरप्राइजिंग व्हेन वी सी ऑल द पेन्स एंड एचेस बिलोंगिंग टू दिस रेमेडी। जितना भी पेन है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेन, चाहे वो उसको हम लोग कहेंगे पल्सेटिंग टाइप ऑफ पेन, बर्निंग टाइप ऑफ पेन, स्मार्टिंग टाइप ऑफ पेन, जर्किंग टाइप ऑफ पेन, जो भी पेन है वो सारा पेन जो है सबसाइड कर जाता है, जो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर किंग सर बता रहे हैं। उसके अलावा इसमें यह भी दिया हुआ है कि किसी को अगर लैरिंजाइटिस से अगर वो पेशेंट सफरिंग कर रहा है, या थ्रोट पेन जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं, थ्रोट पेन से भी अगर कोई पेशेंट सफरिंग कर रहा है, तो उनके विषय में सर क्या बोल रहे हैं कि देयर इज एन जर्किंग पेन फ्रॉम द थ्रोट टुवार्ड्स द ईस्ट्रेचियन ट्यूब्स, वायलेंट ईयरएक, इवन द डिस्चार्ज ऑफ द पस फ्रॉम द ईयर, रिंगिंग साउंड ईयर्स। एक जो है जर्किंग टाइप का पेन उसमें लगता है, उसके अलावा जो है रिंगिंग साउंड लगेगा कि कान में जो है कोई एक बेल टाइप का, या साइकिल का जो बेल होता है उस टाइप का एक रिंगिंग टाइप का एक जो है एबनॉर्मल साउंड जो है वो हियरिंग होता है। उसके अलावा इसमें यह भी देखा गया है कि रिंगिंग साउंड ऑफ द ईयर, स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन, टियरिंग टाइप ऑफ पेन इन द ईयर और इन द रीजन ऑफ थ्रोट विद हुपिंग कफ। हुपिंग कफ का भी जो है हम लोग ये सिम्टम जो है इसमें देखा गया है एलियम सेपा में, कि हुपिंग टाइप ऑफ कफ का भी जो है कंप्लेन जो है इसमें हम लोग एलियम सेपा में देखते हैं। और इसके अलावा जो है चाहे कोई भी साउंड हो जो कि हम लोग एबनॉर्मल साउंड के नाम से बताएंगे, या पेशेंट से अगर हम लोग पूछते हैं तो वो पेशेंट जो है रिंगिंग या जर्किंग साउंड का जो है एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, उसका पेशेंट का जब भी नरेटिंग रहता है, या अगर हम लोग पेशेंट से पूछते हैं कि आपको कान में जो दर्द हो रहा है उसका कैसा आप फीलिंग कर रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, तब वो पेशेंट बताता है कि लगता है कि कान में जो है कुछ घंटी बज रहा है, उस टाइप का जो एक रिंगिंग साउंड का एक एबनॉर्मल रिंगिंग साउंड जो है
वो एक प्रेजेंट होता है जो कि पेशेंट बताता है। और अगर हम लोग बेस्ट एग्जांपल देखते हैं रिंगिंग साउंड के लिए जो कि एज ए कॉमनली है कहीं ना कहीं, वो ये है कि अगर हम लोगों में ये कई बार देखा गया है कि कोई अगर बाथिंग करने के टाइम में नहाने के दरमियान जो है अगर कान में पानी चल जाए कोई कारणवश, या बारिश में भीगने के बाद अगर उस कान में कोई एक पर्टिकुलर साइड चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो में अगर पानी अगर चल जाए, तो पानी चलने के बाद जो है अगर उसमें वो पानी निकल नहीं रहा है और अगर स्लीपिंग पोस्चर पे अगर हम लोग सोते हैं, सोने के बाद अगर हेड को टर्नओवर करते हैं या अगर चुपचाप बैठे भी हुए हैं अपने हेड को अगर हेयर एंड देयर करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं, तो वहां से भी जो है कहीं ना कहीं एक ये रिंगिंग साउंड का जो है एक ऑब्जर्वेशन हम लोग को मिलता है, एक साउंड का जो है एक इंटरनल फीलिंग मिलता है। तो वो साउंड जो है दैट साउंड इज नोन एज रिंगिंग साउंड। उस टाइप का साउंड जो है हम लोग इस मेडिसिन में देख रहे हैं जो कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट ने बताया है। उसके अलावा इसमें हम लोग ये भी देख रहे हैं कि चाहे वो थ्रोट कंप्लेन हो या ईयर एक कंप्लेन हो, जो भी होगा इसका जो नेचर है दैट इज एक्सकोरिएटिंग टाइप ऑफ पेन, पेन का जो कैरेक्टर है वो जो है छिल जाने टाइप का जो है एक कैरेक्टर डेवलप करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि क्योंकि हम लोग को मालूम अभी जस्ट हम लोग इसमें देखे कि एलियम सेपा का जो डिस्चार्ज है वो सारा डिस्चार्जिंग जो है हम लोग एक्रिडिटी देखते हैं छिल जाने टाइप का, तो वैसा ही जो है एक्सकोरिएटिंग टाइप ऑफ पेन या एक्सकोरिएटिंग टाइप ऑफ डिस्चार्जिंग में भी हम लोग एलियम सेपा के विषय में सोचते हैं या देखते हैं। उसके अलावा इसमें हम लोग ये भी देख रहे हैं कि और इसमें एग्जाम्पल बताया गया है, जैसे अभी ये एलियम सेपा में बात की है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट, फिर डॉक्टर केंट ने ही बताया है नेक्स्ट एक पैरा है, इन द हाउस होल्ड वेयर ए मेडिसिन केस इन केप्ट पल्सिटिला इज द स्टैंडर्ड रेमेडी फॉर ईयर एक। हम लोग को ये भी मालूम है कि पल्सिटिला को भी जो है ईयर एक में जो है बहुत अच्छा वर्क किया जाता है या हम लोग उसको एडमिनिस्टर करते हैं, जो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है, and it is true that only occasionally as a doctor to be sent for pulsatilla has such a strong affinity for the ear that will be cure earache in almost all sensitive children who are crying pitifully, those type of children, उस type के children को भी जो है इसमें ये बताया गया है जो कि कहीं ना कहीं alien sepa का child है या baby है, वो पेन को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है और वो पेन के वजह से जो है वो बहुत ज्यादा रोता भी है, छटपटाता भी है, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा है, उसमें भी जो है पल्सिटिला को जो है इसमें फोकस किया गया है। उसके अलावा बट दोज हु आर स्नैपिश हु आर नेवर सूटेड हु विल थ्रो अवे समथिंग दैट दे हैव आस्क्ड फॉर एंड स्लैप The nurses in the face must have camomilla. देखो अब इसमें जो है camomilla को बताया जा रहा है कि camomilla एक ऐसा medicine है जिसका जो baby है वो desire करता है, वो मांगता है। There are so many type of instrument या instrument कहेंगे या जो है kidding playing toys हम लोग कहेंगे, वो बहुत कुछ मांगता है, लेकिन at the time जब उसको दिया जाता है तो वो child जो है वो उसको थ्रो आउट कर देता है, फेंक देता है। तो वैसे इसी के लिए बताया गया है कि वो चाइल्ड जो है थप्पड़ मारता है, जो नर्सिंग मदर रहती है उनको थप्पड़ मारता है कैमोमिला का बेबी ड्यू टू पेन। मेन फोकस है पेन के वजह से, पेन के वजह से जो है चाइल्ड जो है बहुत ज्यादा क्राइंग करता है, रोता है, छटपटाता है। उसके अलावा अगर उसको कुछ दिया जाए तो वो जो है थ्रो आउट कर देता है, फेंक देता है। नेक्स्ट है, एक मिनट, हेलो, नेक्स्ट है कैमोमिला के साथ और भी इसमें दिया गया है, इन द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन विथ पल्सिटिला कैमोमिला एंड एलियम सेपा यू कैन क्योर द मेजोरिटी ऑफ ईयर एक स्पेशली इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में ही बताया गया है कि अगर कोई चाइल्ड जो है अगर ईयर एक से सफरिंग करता है या कर रहा है तो उसमें तीन मेडिसिन को जो है फोकस किया गया है, दैट इज पल्सिटिला
कैमोमिला एज वेल एज एलियम सिपा, ये तीन रेमेडी ऐसा है जो कि हम लोग ईयर एक में जो है स्पेशली इसको यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया है। और उसमें हम लोग को ये भी मालूम है कि चाइल्ड एक ऐसा है जो कि अपना कंप्लेंट नैरेट नहीं कर पाता है। बहुत सारे बच्चे जो है अगर जाहिर सी बात है कि उनको अगर कान में दर्द हो रहा है तो वो जो है बता नहीं पाते हैं कि उनको क्या है। हो सकता है कि बार बार वो अपने कान में अपने फिंगर टिप से जो है प्रेस करे या उसको जो है टियरिंग करे, इस टाइप का एक ये साइन होता है जो कि हम लोग कहीं ना कहीं इजली उसको ऑब्जर्व कर पाए, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि द फिजिशियन मस्ट बी कीन ऑब्जर्वर। इसी के लिए ऑर्गेनेम में हम लोग देखते हैं या डॉक्टर एनिमन ने कहा है कि फिजिशियन को जो है कीन ऑब्जर्वर करना है, चाहे वो सब्जेक्टिव सिम्टम हो या ऑब्जेक्टिव सिम्टम हो, सभी को जो है हम लोग को लेना है। जरूरी नहीं है कि हर सिम्टम को जो है पेशेंट बताए या पेशेंट के नेबर्स या अटेंडेंट जो आते हैं वो बताते हैं, वो नहीं बता पाते। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि बताने आएंगे लेकिन जो है वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए फिजिशियंस हम लोगों का ये ड्यूटी है कि कहीं ना कहीं फिजिकली जो है हम लोग उसको ऑब्जर्व कर पाए विद द एक्टिविटी विद द कैरेक्टर, हम लोग उसको ऑब्जर्व कर पाए, जो कि हम लोगों को हेल्प करता है हम लोग को मेडिसिन सिलेक्शन करने में या उसके जो उसका जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें हम लोग उसको ठीक कर पाए। तो इसी के लिए ये एलियम सेपा में भी जो है डॉक्टर केंट ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि इन द केस ऑफ ईयरक में चाइल्ड में जो है चाहे वो पल्सिशला का हो या कैमोमिला हो या एलियम सेपा, ये तीन रेमेडी ऐसा है जो कि बेस्ट रेमेडी है स्पेशली इन चिल्ड्रेन जो कि ईयरक में हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि हम लोग इसके पहले देख चुके थे दैट इज एलिमेंट्स फ्रॉम क्या 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 ऐसा पॉजिटिव फैक्टर है जिस वजह से कहीं ना कहीं उसका जो कंप्लेन है वो वर्स कंडीशन या एग्रेवेशन होता है, या पॉजिटिव फैक्टर क्या है। तो हम लोग को मालूम होगा कि हम लोग प्रीवियसली डिस्कस किए थे कि सलाद लेने की वजह से जो है कहीं ना कहीं कंप्लेन एग्रेवेट होता है, या जो है टेकिंग कुकुम्बर, कुकुम्बर खाने से भी जो है कहीं ना कहीं पेन जो है वो एग्रेवेट करता है। वैसे ही हम लोग इस एलियम सेपा में जो है कॉलिक पेन में भी देखते हैं कि कॉलिक पेन का भी जो है ये सिम्टम देखा गया है कि इसमें भी जो है स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होगा, उसके अलावा जो है कॉलिक ही पेन होगा। पेशेंट जो है बताता है कि हमको जो है पेट में दर्द हो रहा है, एब्डोमेन में पेन होगा, लेकिन अगर हम लोग पेशेंट से ये पूछते हैं कि क्या ऐसा वजह है कि जिस वजह से आपको जो है पेट में दर्द होता है, बहुत सारे पेशेंट होते हैं किसी का ये कंप्लेन रहता है कि ड्यू टू फास्टिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग की वजह से जो है उनको ये कंप्लेन होता है कि उसको बार बार जो है कॉलिक पेन या एक नॉर्मल जो है एब्डोमिनल पेन होगा। कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसका कि मोशन डिस्टरबेंस होगा, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो या डायरिया हो, जिस वजह से उसको एब्डोमिनल पेन होगा। कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसको कि बार बार डिसेंट्री हो रहा है जिस वजह से उसको जो है कॉलिक पेन का जो है एक सिम्टम देखने को मिलता है। कोई एक ऐसा पेशेंट है चाहे वो सलाद लेगा या कुकुम्बर लेने के वजह से जो है उसको जो है पेट में दर्द होता है। तो वैसा ही सिम्टम हम लोग इसमें भी देख रहे हैं एलियम सेपा में कि ड्यू टू द टेकिंग ऑफ कुकुम्बर और सलाद लेने के वजह से कहीं ना कहीं उसको एब्डोमिनल पेन होता है। जैसे चूंकि अभी ये एब्डोमिनल पेन का बात हो रहा है या कॉलिक पेन का, तो और भी मेडिसिन है जो कि हम लोग फ्रिक्वेंटली जो है यूज करते हैं इन द केस ऑफ कॉलिक पेन इन द केस ऑफ एब्डोमिनल पेन। जो मेडिसिन है वो है मैकफॉस। मैकफॉस जो है बहुत अच्छा रेमेडी माना गया है और ये क्लिनिकली बहुत अच्छा यूज इसको हम लोग फ्रिक्वेंटली करते हैं कि इन द केस ऑफ एब्डोमिनल पेन इन द केस ऑफ कॉलिक पेन में भी जो है हम लोग देते हैं। बहुत सारे टीनेजर्स हम लोग कहेंगे या बहुत सारे गर्ल्स में देखा गया है या ये फ्रीक्वेंट कंप्लेन होता है कि मेंस्ट्रुएशन के लिए या डिसमेनोरिया में जो है हम लोग मैकफॉस को देते हैं। बार बार जो है ये एब्डोमिन में एक जो है पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है बार बार, और वो जो है चेंजिंग होता है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड डाउनवर्ड, उस टाइप का पेन होगा, तब अगर हम लोग मैकफॉस को जो है अगर हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं, चाहे ये 6x में हो या जो है पोटेंसी में अगर हम लोग देंगे, तब जो है इसका जो एब्डोमिनल पेन है ये बहुत हद तक जो है उसको रिलीफ मिलता है।
वैसे ही हम लोग इसके एलियम सेपा में भी देख रहे हैं कि एलियम सेपा का जो पेन है वो कटिंग टाइप ऑफ पेन है। पेशेंट बताता है, या जब भी पेशेंट से पूछते हैं तो पेशेंट बताता है कि मेरा जो पेट में दर्द हो रहा है वो जो है काटने टाइप का दर्द हो रहा है, बार बार जो है लगता है कि पेट में जो है कोई एक पेट काट रहा है, उस टाइप का कटिंग टाइप ऑफ पेन में जो है हम लोग ये एलियम सेपा को देखते हैं। उसके अलावा इसमें ये भी दिया गया है पेन का कैरेक्टर, दैट इज स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन, लगेगा कि कोई एक स्टिच कर रहा है, स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन, कोई अफेक्टेड पार्ट्स में जो है अगर कोई किसी को अगर स्टिचिंग करता है तो उस टाइप का एक पेन का भी जो है एक सेंसेशन जो है एलियम सेपा में देखा गया है। नेक्स्ट है कि एलियम सेपा को अभी हम लोग देखें कि कॉलिक पेन में हम लोग यूज करते हैं या जो है हेडेक में यूज करते हैं, रेस्पिरेटरी कंप्लेन में हम लोग जो है चाहे वो कफ एंड कोराइजा हो या हुपिंग कफ हो उसमें भी हम लोग इसको यूज करते हैं। उसके अलावा इसका जो भी ये फ्लैचुरेंसी रहेगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ड्यू टू टेकिंग सलाद और कुकुम्बर लेने की वजह से उसको एब्डोमेन जो है या एब्डोमेन में बार बार वो पेन होता है और उसमें जो है कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक फॉर्मेशन हो जाता है, गैस का जो है एक फॉर्मेशन हो जाता है, और जब भी इसका फ्लैटस होगा, जब भी इसको जो है रिम पास होगा वो जो है बहुत ज्यादा ऑफेंसिव इन नेचर में होगा, जो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग इसके वॉइस में देखते हैं तो इसका वॉइस जो है वो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है। हम लोग इसके पहले भी देखे हैं कि देयर आर सो मेनी मेडिसिंस में कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस में जो है बहुत सारे रेमेडी को हम लोग देते हैं, चाहे ये अर्जेंटम नाइट्रिकम हो या एलियम सेपा हो या और भी मेडिसिन है, बहुत सारे मेडिसिन में प्रोलॉन्ग यूज ऑफ वॉइस, कंटिन्यूस वॉइस को यूज करते हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जो कि कंटिन्यूस एंकरिंग कर रहा है स्टेज पे, कंटिन्यूस एंकरिंग करने की वजह से जो है उसका जो थ्रोट है वो जो है कहीं ना कहीं लॉक हो जाता है, वॉइस जो है उसका आवाज जो है जो एक नॉर्मल हम लोग सुनते हैं उससे जो है कभी कभार डाइवर्ट या चेंज हो जाता है। उस टाइप के हॉर्सनेस और वॉइस में भी जो है हम लोग एलियम सेपा को रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा अभी हम लोग देखें कि चाहे ये कोराइजा कंप्लेन हो या कफ होगा, जो भी होगा ये एक्सेसिव होगा, बार बार जो है पेशेंट जो है वो खांसता है और उसका जो डिस्चार्जिंग है वो जो है ये उसको हम लोग कहेंगे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगा, बहुत ज्यादा उसका जो है एक्सपेक्टेशन होता है। उसके अलावा हर बात पे जो है, हर बात या हर सेंटेंस में पेशेंट जो है बार बार अपने वॉइस को क्लियर करता है, क्लियरेंस ऑफ वॉइस, बार बार जो है अपने वॉइस से, अभी हम लोग कुछ बात कर रहे हैं एक सेंटेंस खत्म हुआ कि नहीं तुरंत अपने गले को जो है उस टाइप का एक जो है एक क्लियर करना, वॉइस को क्लियर करना, तो ये जो है हम लोग इस एलियम सेपा में भी देख रहे हैं कि बार बार अपने वॉइस को जो है वो क्लियर करता है। नेक्स्ट है कि इसमें भी जो है लैरिंग्स में या थ्रोट रीजन में पेशेंट को या पेशेंट का जो थ्रोट रीजन है उसको लगता है कि कोई ग्रैस्पिंग कर रहा है, उसको लगता है कि कोई जो है उसको जकड़ रहा है, स्पेशली इन द रीजन ऑफ थ्रोट, जब भी उसके वॉइस में चेंजिंग होगा या जब भी उसके थ्रोट में पेन होगा उसमें जो है बहुत सारा चेंजिंग हम लोग देखते हैं जो कि इस एलियम सेपा के मेडिसिन में। तो आज के लिए जो है, या अगर हम लोग एलियम सेपा में अभी तक जो है उसके हेडेक कॉम्प्लिकेशन में देखें, मेंटल सिम्टम देखें, जनरल सिम्टम देखें जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, उसके अलावा जो है कोराइजा कंप्लेन देखें और जो है इसके ईयरिंग कॉम्प्लिकेशन में हम लोग अभी तक देखें, तो ये जो है हम लोग का एलियम सेपा का जो पोर्शन है ये अभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में न्यू मेडिसिन में जो है हम लोग उसको आएंगे, तो तब तक के लिए जो है क्वेश्चन आंसरिंग होगा, तो हम अभी रोल नंबर बोलेंगे और आप लोग जो है रेस्पॉन्स कीजिएगा।